नेवर गिव अप नेवर गिव इन, ये इस टीम का एक मंत्र बन गया और इस टीम को ये डिफाइन करता है। चाहे वो सिडनी का मैदान हो या फिर वो गाबा या फिर ये लॉर्ड्स की जीत, जहां जहां आपको लगेगा कि आपने हमें पछाड़ दिया, आपने हमें तोड़ दिया है। देखिए, आप हमें चोट पहुंचा सकते हैं पर हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकते, एंड दैट्स व्हाट दिस टीम इज ऑल अबाउट। 151 रन से जीत दर्ज कर दिया भैया लॉर्ड्स के मैदान पर। भैया लॉर्ड्स कहते हैं इट्स द होम ऑफ क्रिकेट, होगा जरूर, पर बैल्कनी तो हमारी है। 1983 का वर्ल्ड कप ले लो या फिर नेटवेस्ट का फाइनल ले लो या फिर माही की कप्तानी में या टेस्ट मैच ले लो या फिर कोहली की कप्तानी में ये वाला टेस्ट मैच ले लीजिए, जहां पे भारत को मिल गई है 1-0 की बहुमूल्य लीड आफ्टर द फर्स्ट टू टेस्ट मैचेस, एंड दैट वाज डाउन टू अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड फाइट बैक। उसकी करते हैं बात और विक्रम साठे, इनसे बातचीत कराता हूं आपकी, बड़े मजेदार इन्होंने मतलब मिमिक्री की है ऑफ डिफरेंट कमेंटेटर्स, विल हैव दैट एज वेल। और आज का मेरा ट्रिविया है कि वो कौन से टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके सबसे ज्यादा टेस्ट रन हैं विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल टेस्ट सेंचुरी। डू यू नो दैट गाय? हैशटैग आकाशवाणी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना कि भाई कितने किसने इतने सारे टेस्ट रन बनाए विदाउट स्कोरिंग अ टेस्ट सेंचुरी। लेट मी गिव यू अ क्लू, इज अ बोलर, प्राइमरली अ बोलर, एंड ही इज नॉट इंडियन, दैट्स ऑल आई एम गोना टेल यू। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाला। चलिए अब जरा इस मुकाबले की बात कर लेते हैं। मुकाबला बड़ा मजेदार था, क्योंकि पांचवें दिन की अगर हम बात करें तो आई थॉट इंडिया जीतेगा नहीं, माई थॉट वॉज कि इंडिया हार जाएगा, क्योंकि आप 154 रन आ गए पर दूसरी नई बॉल दी हुआ है, तो ऋषभ पंत है, बाद में लंबी टेल है। आई मीन आई थॉट इट वॉज अ टेल, बट दिस टेल हैड अ न्यू टेल, यस अ न्यू स्टोरी टू टेल, एंड दैट वॉज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। क्योंकि जब जब आप इनको दबाते हैं ये बाउंस बैक करते हैं, इसे एक स्प्रिंग और अ ट्रैम्पोलिन कि आप जितनी जोर से नीचे जाएंगे उतनी जोर से बाउंस बैक करते हैं। ऋषभ पंत आउट हो गए, शुरू में एक दो शॉट अच्छे लगे पर आउट हो गए, तभी आपके 180 रन नहीं थे जब लीड की बात करें, पर उसके बाद जब ईशांत आउट हो जाते हैं बड़ी मेहनत कर रहे थे, इसके बाद जब वो आउट होते हैं तो फिर बुमराह और शामी आते हैं। यू थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट विल बी डन एंड डस्टेड, राइट? दे सेड नो बॉस, ऐसे नहीं होने वाला है। शामी ने बना दिए 61, बुमराह ने बना दिए 30+, और कुल मिला के आप पहुंच जाते हैं 270 के स्कोर पर। मतलब कहां आप मैच बचाने की सोच रहे थे या फिर सोच रहे थे कि ऐसी स्थिति में जाएं जहां से मैच बना सकते हैं, वहां पर आप ये बात करके डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, लेट्स डिक्लेयर क्विकली ना, क्यों लेट कर रहे हो? पर इंडिया ने थोड़ा लेट डिक्लेरेशन किया, बट देन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल बॉस, दैट्स द होल थिंग। अंत में ओवर बचे थे और उसके बावजूद आप मुकाबला वहां पर जीत गए। चाहे और बुमराह की क्या बात करेंगे, मतलब 24 कैरेट खरा सोना है, पहली रोरी बन जाओ। उसके बाद बीच में आते हैं जो रूट काउट करते हैं, और रूट तो इज लाइक हाफ द इंग्लैंड टीम एंड मोर, मतलब मे बी 75% ऑफ द इंग्लिश बैटिंग लाइनअप, उनको आउट कर देते हैं। फिर जब एक कहने में लगा कि अब तो डेस्परेशन हो गई है भैया, अब ये फंस गए हो, आप आउट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ओवर कम ना पड़ जाए, लेट डिक्लेरेशन आपको सताए ना, ओली राहुल ने आउट कर देते हैं। ये तो हुई बुमराह जी। उसकी दूसरी तरफ देखो तो मोहम्मद सिराज जी पहली इनिंग्स में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में फिर 4 विकेट उन्होंने चटकाए, क्रूशियल विकेट्स आकर आपको देते हैं, 2 गेंदों में 2 विकेट। मतलब मोइन अली अच्छी बैटिंग करे, थक करके आउटसाइड एज, नेक्स्ट बॉल सैम करन का आउटसाइड एज, बटलर सेट हो गए थे तो बटलर को दूसरी तरफ से आकर आउट किया, कुल मिलाकर 4 विकेट उनके खाते में आ गए। योग सिराज, अभिषान शर्मा की आप बात कीजिए, सबसे लेट उनको बॉलिंग में लाया पर उन्होंने भी विकेट चटकाए, क्रूशियल विकेट्स एट क्रूशियल इंटरवल्स एट टाइम्स इज व्हाट दिस टीम इज ऑल अबाउट। शमी ने चाहे विकेट ना चटकाए हो ज्यादा, यहां पर आप अगर इस टेस्ट मैच की बात करें, बट देन कॉन्ट्रीब्यूशन विद द बैट बॉस, तो ये एक ऐसी टीम है जो हर तरीके से कहीं ना कहीं से जुगत लड़ा के, लड़ झगड़ के, विद अ लॉट ऑफ बिलीफ दे फाइंड वेज टू विन, एंड दैट इज व्हाट इज डिफाइनिंग दिस टीम। सुपर डीआरएस के 2-3 रिव्यूज किए, हालांकि अंपायरिंग बहुत अच्छी हुई है पर डीआरएस के बहुत बढ़िया रिव्यूज दिए। कैचिंग में ऑफकोर्स यू ड्रॉप द कपल ऑफ कैचेस, बट स्टिल इन दी एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, क्योंकि बहुत समय के बाद, अरसे के बाद, जैसे दूसरी बार हुआ इंडियन क्रिकेट के इतिहास में कि 2 लगातार टेस्ट मैचेस इंडिया खेल जाए, 40 विकेट चटका जाए और एक भी विकेट स्पिनर का ना मिले, इज दैट अ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम वट सो एवर, क्योंकि बाकी लोग काम कर रहे हैं और आप मुकाबला जीत रहे हैं। नॉटिंगहम जरूर बारिश ने भारत को जीत से वंचित रखा था, पर नथिंग एट लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के लॉर्ड ऑफकोर्स इज द इंडियन क्रिकेट टीम। बहुत सारे पॉजिटिव रहे, उसको कल के वीडियो के लिए रख देते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो, पर आज लेट्स सेलिब्रेट दिस ब्यूटिफुल फैंटेस्टिक टेरिफिक द बेस्ट इंडियन टीम दैट हैज ट्रेवल्ड ओवरसीज। इससे बेहतर कोई टीम है नहीं पिछले 5 साल में, विश्व में इससे बेहतर कोई ट्रैवलिंग टीम नहीं है। यस, इट्स द विराट कोहली टीम, 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को और इस बार इंग्लैंड को ये हराएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। ये सीरीज इज इन इंडिया पॉकेट इवेंचुअली, स्कोर लाइन क्या होगी वी शैल फाइंड आउट, पर दिस इज इंडिया सीरीज। अब मैंने कहा ना मजा करेंगे, विक्रम साठे जी को बुलाया, उनसे जरा आप सुनिए, पर क्या मजेदार ये माहौल बना देते हैं, ये मजा बांध देते हैं हमारे जैसे लोगों को, फिर हम रणजी ट्रॉफी भी जो खेल सके उनको स्ट्रगल करना पड़ा। बट मैं इसको ना 2 लेवल पे देखता हूँ, एक जो एवोल्यूशन हुई है और जो एक एवोल्यूशन नहीं हुई है।
एवोल्यूशन जो हुई है कि आप जैसे लोग आए जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज बहुत अच्छी तरह से किया है। पहले के जमाने में जब मैं 2000 में जब वॉट एवर टूरिंग करता था, तब मैंने देखा था कि टेक्नोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स, किसी भी ब्रॉडकास्टर को इतना इसमें रुचि नहीं थी। और आप लोग आए, मॉडर्न जनरेशन के जो कमेंटेटर्स आए उन्होंने यूज किया। ऑन द कॉन्ट्री, बीसीसीआई को टेक्नोलॉजी से नफरत थी। डीआरएस तो हम ही अपोज कर रहे थे, रवि शास्त्री अपोज कर रहे थे। और साइंस का वही प्रॉब्लम है, अगर हम अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो हम शायद वैक्सीन भी ना लें, क्योंकि वैक्सीन भी फुल प्रूफ नहीं है। तो वो रवैया जब बदला और टेक्नोलॉजी को हम एम्ब्रेस करने लगे, मुझे लगा कॉमेंट्री की एवोल्यूशन अच्छी हुई। सेकेंड इज, उस जमाने में ना कोई खुद पे हंसता ही नहीं था। Means Indians had more stiff upper lip than the English and the Australians put together. But जब commentary IPL नजदीक आया ना, तो थोड़ा सा sense of humor even old generation commentators को बनाना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि भाई अब तो दुनिया बदल रही है, अगर मैं खुद पे हंसा नहीं और अगर मैं 100 test match का cap लेके घूमता रहूँ तो मेरा भी कुछ होने वाला नहीं है। And I think that was a good evolution. और फिर शेरिपा आए, फिर वीरू की आप एग्जाम्पल देखो। वीरू ने जब शुरुआत करी, उसने कहा कि मैंने डबल, वीरू बोलेंगे दो 100 के बारे में, मगर उन्होंने कहा कि मैं अभी एंटरटेनर बनना चाहता हूँ। ये आप 2002 टू 2006 में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। वो तो खड़े ही नहीं करते थे अगर किसी ने 50 के नीचे टेस्ट खेले। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं ना, तो हमारे इधर एंटरटेनमेंट की जब बात करते हैं तो जहन में क्या आता है कि भांगड़ा चला दो, गाने चला दो। मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेशन हमको रिविजिट करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट इन क्रिकेट डज नॉट मीन सॉन्ग एंड डांस, इट कुड बी अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ इट। मगर जैसे मैंने अपने शो में व्हाट द डक में कोशिश करी थी कि मैं सचिन को पूछ रहा था कि तू आप ऐसे ग्रिल से क्यों करते हो, तो जब उन्होंने बताया था कि मैं ग्रिल एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को वो कभी कभी मैं जब यू नो वो बॉल फेस करता हूँ तो वो कभी हिल जाता है, तो ऐसे करूंगा तो वो डिस्टेंस। अब ये छोटी सी चीज है मगर ये भी एंटरटेनमेंट है। यू डू नॉट नीड टू गो ऑफ क्रिकेट टू बी दिस। यन चैपल कहानी है, चुटकुले सुनाते। इंडिया इज अ स्टोरी टेलिंग नेशन। अगर आपने देखा, हम लोग ने अपने शो में सिर्फ कहानियां निकालने की कोशिश करी थी। तो अगर संजय बांगर अपने टेन्योर में सिर्फ स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, वो तो ज्ञान तो उनके पास है ही है, बड़े बड़े बैट्समैन उनसे ज्ञान लेने आते थे, तो फिर वो तो उनको नेचुरली आ ही जाएगा। मगर उसमें अगर उन्होंने वो चाइनीज मसाला मार के हमको दे दिया ना स्टोरी टेलिंग, आई थिंक दैट इज एंटरटेनमेंट। संजय बांगर गाते हैं तो गाए भी, जो मोहिंद्र अमरनाथ अच्छा करते थे, संजय गाते हैं, संजय गाते हैं, पर उनका नाम बांगर नहीं है, उनका नाम मांजरेकर है। वो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आई लव हिम, ही लव, ही सिंग्स ब्यूटीफुली, एंड दैट्स द ओनली टाइम ही डजंट स्ट्रेस ऑन द वर्ल्ड, एंड आई टोल एंडरसन स्टॉप टू बोल दैट। मॉडर्न गेम के बारे में हम लोग बात कम करते हैं। हम हमेशा कोट करते 71 कैसे जीते, 83 कैसे जीते, फिर वही फुटेज दिखाते और फिर वो द माइटी वेस्ट इंडियंस, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। आज भी इंग्लिश कमेंट्री जब चल रही है तो कोई मुझे बात नहीं बता रहा कि शार्दुल ठाकुर ऑस्ट्रेलिया में क्या सोच रहे थे, या शायद वॉशिंगटन सुंदर से लेटली किसी ने बात करी है क्या और उन्होंने उनका रवैया पूछा है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्कनेक्ट है एक्स क्रिकेटर और करंट क्रिकेटर में, इसलिए दिनेश कार्तिक अच्छे दिख रहे हैं आज, क्योंकि दिनेश कार्तिक ये जनरेशन में खेलते हैं। संजय बांगर अच्छे दिखते हैं क्योंकि ये सब बंदों के साथ उन्होंने खेला है क्रिकेट। तो वो जो एफर्ट है, जो आप बोलते हो ना आपके फेवरेट कमेंटेटर टोनी ग्रेग और इयन चैपल, इनको मैंने बहुत करीबी यू नो ऑब्जर्व किया है। ये लोग पहला अपना ईगो छोड़ देते हैं और जूनियर से जूनियर क्रिकेटर से बात करेंगे, बोलेंगे व्हाट यू थिंक अबाउट दिस यू नो। और ग्रेगी जितना ड्रामा करते थे ना, उतना वो काम करने के वक्त ईगो भी तोड़ते थे अपना। And he was supposed to be the most egoistic man in world cricket, क्योंकि उन्होंने पैकर का निर्माण किया। बट जब वो प्रोफेशनलिज्म की बात होती है ना, तो वो अपना वॉल छोड़ देते हैं और फिर बात करते हैं क्रिकेटरों से, ताकि जब हमको एज अ ऑडियंस कुछ मिलता है तो वो वैल्यू एडेड मिलता है। एंड हमेशा रेफरेंसेस पास्ट के नहीं होते, रेफरेंसेस होते हैं आज के। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एवोल्यूशन जो अच्छी चीजें हुई है वो ह्यूमर, टेक्नोलॉजी, जो नहीं हुई है वो मोनोटनी एंड वैल्यू एडिशन की कमतरता। और अगर ये दो चीजें सॉल्व हो गई तो मेरे ख्याल से ब्रॉडकास्टिंग की एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो मतलब मैंने सीखा कुछ समय से, जो हमें बताया भी जाता है, जो एक ब्रीफिंग होता है, तो उसमें ये कहते हैं कि वी हैव टू बी प्रेडिक्टिव इन टर्म्स ऑफ यू नो कि आगे क्या होने वाला है, कि
कप्तान के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है कि कौन सा गेंदबाज कौन से बॉलर को कहां से डलवाना है, क्या करना है। सो प्रेडिक्टिव कमेंट्री की तरफ हमें बढ़ना होगा, और प्रेडिक्टिव कमेंट्री का अगर कोई बहुत अच्छा उदाहरण है तो मेरे हिसाब से नासिर हुसैन वो बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि प्लेयर के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये ऑडियंस तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब उनकी कमेंट्री मुझे काफी अच्छी लगती है। और पहले जो आपने बोले डॉक्टर नरोत्तमपुरी थे, तो उनकी इंग्लिश जो थी उस वक्त दैट वाज कंसिडर्ड टू बी ऑफ अ वेरी गुड स्टैंडर्ड। या फिर सुशील दोषी ऑलवेज रिलेटेड की यार वो हिंदी कॉमेंट्री बड़ी अच्छी करते हैं, या फिर अपने डीडी के वागले साहब, एंड दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन, वो एक उनका जो पेट डायलॉग था तो हर एक सबके बारे में वो यही कहते थे कि दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। कभी कभी ऐसे लगता था यार हमारा क्या इंट्रोडक्शन देंगे, बट फिर भी बोल ही देते थे। तो अपने अपने समय के अनुसार, बट अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो मुझे नासिर हुसैन जैसा अगर ब्रॉडकास्टिंग आ जाए करना, अगर उनके राह पे चल पड़ो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अब जो मेरा ट्रिविया था जो मैंने आपसे पूछा था उसका ये था कि भाई इसका सवाल था कि कौन ऐसे टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने बहुत सारे रन बनाए पर एक भी शतक नहीं बनाया, मोस्ट नंबर ऑफ टेस्ट रन विदाउट स्कोरिंग अ सिंगल सेंचुरी, हिज नेम इज शेन वॉर्न। लेजेंड शेन वॉर्न 3154 रन बनाए हैं, शतक के करीब आए हैं पर शतक नहीं लगाया है। बट दैट्स दैट शेन वॉर्न फॉर यू, अ फिनोमिनल प्लेयर, एन एब्सोल्यूट क्रिकेटिंग ग्रेट, अ जीनियस। आज के लिए इतना ही है, लाइक शेयर अपने कमेंट पे इसको पिन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, और जाते जाते अपने शॉर्ट्स देखिए, सुनिए मेरी आकाशवाणी, और कल फिर मिलेंगे, और कल फिर थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इनटू दिस लॉस्ट टेस्ट विन, जहां पे राहुल वाज द मैन ऑफ द मैच, रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट रन, पुजारा रहाणे, सब पे करनी होगी बात, कोहली या ऑफ कोर्स वील टच अपॉन हिम, द बैट्समैन, द फील्डर, द कैप्टन, देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह। जैक लीच गेंदबाज, एक स्लिप जमाई है, स्वीप, और ये गजब का कैच, ये दोबारा देखने वाला कैच, एंटिसिपेशन, एथलेटिसिज्म, अविश्वसनीय है।